दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हनुमान का 39वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 8.05 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 40.95 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 89.50 करोड़ का, दूसरे हफ्ते में 60.68 करोड़ का, तीसरे हफ्ते में 29.95 करोड़ का, चौथे हफ्ते में 12.30 करोड़ का और अपने पांचवे हफ्ते में 4.24 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 36वें दिन में 15 लाख का, 37वें दिन में 21 लाख का और अपने 38वें दिन में यानी रविवार के दिन में लगभग 35 लाख का कलेक्शन किया था। और इसी के साथ इस फिल्म का 38 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 198.19 करोड़ हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 233.75 करोड़ हो चुका है। इस फिल्म में ओवरसीज से लगभग 57.38 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का 38 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 291.13 करोड़ हो चुका है। अगर बात करें 39वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 39वें दिन में इंडिया से 12 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 32 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.5 रेटिंग मिले हैं। तो दोस्तों क्या आपने फिल्म देख ली, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।